हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड, वेलकम बैक टू ब्यूटी विद गरिमा। आज की इस वीडियो में मैं आपको रक्षाबंधन के लिए मेकअप करके दिखाऊंगी और साथ में मैं आपको एक हेयर स्टाइल भी बताऊंगी जिसको आप रक्षाबंधन वाले दिन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप देख पाएँ और ये बिल्कुल फ्री है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ती हैं। अब सबसे पहले मैं अपने फेस पे पतंजलि एरोविला जेल लगाऊंगी। एक प्राइमर की तरह काम करता है ये और इसे लगाने से आपका मेकअप लंबे समय तक रहता है और आपकी स्किन पे मेकअप का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं इसको अच्छे से अपने फेस पे लगा लूँगी। इस एलोवेरा जेल को लगाने के बाद आप 5-10 मिनट वेट करें ताकि अच्छे से सेट हो जाए आपकी स्किन पे। अब मैं सबसे पहले अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। अब आई मेकअप के लिए मैं आई शेडो ब्रश यूज़ करूँगी वेगा का और मैं लूँगी लैक में एनरिच लिप क्रियॉन। मेरा शेड है कैंडिड कॉरल, कॉरल ऑरेंज शेड है। अब मैं इसे हल्का सा अपने आईज पे आई शेडो की तरह लगाऊंगी इस तरह से, और इसी तरह से मैं दूसरी वाली आईज पे भी लगाऊंगी अपनी। अब इसको मैं अच्छे से ब्रश की मदद से सेट कर लूँगी इस तरह से, और इसी तरह से मैं दूसरी वाली साइड पे भी कर लूँगी। अब मैं ब्लू हेवन की आई शेडो प्लेट लूँगी और मैं ये येलो गोल्ड कलर लगाऊँगी अपनी आईज पे। हल्का सा ही लगाना है। इसी तरह से मैं दूसरी वाली आईज पे भी यही गोल्ड कलर लगाऊंगी। अब हल्का सा यही शेड मैं अपनी आईब्रो के ऊपर भी लगाऊंगी हाइलाइटर की तरह। अब काजल और आईलाइनर के लिए मैं प्लम का काजल लूँगी। अब मैं इसे हल्का सा बिल्कुल लाइट सा ही लगाऊँगी अपने आईज पे आईलाइनर की तरह, और इसी को मैं अपने वाटर लाइन पे काजल की तरह लगा लूँगी। अब मैं मैबलिन का मस्कारा लूँगी और इसे अच्छे से अपने लैशेस पे लगाऊंगी। मैं इसको हल्का सा नीचे वाली लैशेस पे भी लगाऊंगी। अब मैं मेबलिन का फिट मी कंसीलर लूँगी और जहाँ पे भी मेरे फेस पे डार्कनेस है मैं वहाँ पे इसे लगाऊँगी। अब मैं इस स्पंज की मदद से इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मैं कंसीलर को फेस पाउडर से अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। फाउंडेशन के लिए मैं मैबलिन फिट मी फाउंडेशन यूज़ करूँगी। ये फाउंडेशन बहुत ही लाइट वेट है और ये बहुत ही अच्छे से फेस पे ब्लेंड हो जाता है और ये वाटरप्रूफ भी है, तो मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसको डॉट्स बना के अपने फेस पे और गर्दन पे लगाऊंगी अच्छे से, और फिर मैं स्पंज की मदद से इसे सेट करूंगी। मैं फाउंडेशन को डैबिंग मोशन में प्रेस करके सेट करूंगी ताकि मेरा फाउंडेशन कैकी ना लगे। Honey,
अब फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं लॉरियल का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी और इसे अच्छे से अपने फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। अब मैं वेगा का ब्लश ब्रश यूज़ करूँगी। अब मैं मैबलिन की कंट्रोलिंग किट से ब्लश को लूँगी। मेरा शेड है पीच और इसे हल्का सा अपने चीक्स पे लगाऊँगी। अब इसी किट से मैं हल्का सा हाइलाइटर लूँगी और इसको अपने टी जोन पे लगाऊँगी। हल्का सा मैं इसे नोज़ पे अपने टी जोन एरिए पे लगाऊँगी। अब मैं लैक्मे एनरिच लिप क्रेयॉन लूँगी फिर से और इसे अपने लिप्स को आउटलाइन करूँगी। उसके बाद मैं इससे ही लिप्स को फिल करूँगी इस तरह से। ये बहुत ही प्यारा ऑरेंज कॉरल कलर है। अब मेरा मेकअप खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं हेयर स्टाइल की तरफ। अब हेयर स्टाइल बनाने के लिए मैं सबसे पहले साइड मांग निकालूंगी। अब आपने बालों में से एक लेयर को निकालना है। तेल कॉम की मदद से आप उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकती हो। अब इसी तरह से आपने एक और लेयर को निकालना है और इनको आपस में क्रॉस कर देना है। ऐसा करने से आपकी आगे वाली लेयर पीछे चली जाएगी और पीछे वाली आगे आ जाएगी। अब इसी तरह से आपने और थोड़ी से बालों को लेना है तेल कॉम से और फिर उसको पीछे की तरफ कर देना है। इसी तरह से अब आपने एक और लेयर को उठा के इसके साथ मिला देना है और फिर इसे क्रॉस करके पीछे की तरफ कर देना है। अब आपको इसी तरह से बालों को लेते जाना है। उसके बाद आप इसको पिन की मदद से सेट कर ले। अब आप इसको हल्का सा लूज करके पिन की मदद से सेट कर लें। ऐसा करने से आपका हेयर स्टाइल एक पफ की लुक देगा। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग इसे लूज कर सकते हो। दूसरी साइड से आप इस तरह से बालों को लेके अच्छे से रोल करके पिन की मदद से सेट कर लें। अब इसी तरह से जो बचे हुए बाल हैं उनको भी आप रोल करके पिन की मदद से सेट कर लें। अब मैं साइड की तरफ बालों को करके इसे रबर बैंड से सिक्योर कर लूंगी। आप चाहो तो खुले बाल भी छोड़ सकते हो। अब मैं एक और रबर बैंड लूंगी और हल्का सा गैप रख के इसे भी सिक्योर करूंगी इस तरह से। अब इन बालों को मैं हल्का सा लूज करूंगी इस तरह से। अब इसी तरह से मैं आगे इसी तरह से करती जाऊंगी। अब ये हेयर स्टाइल बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इसे जरूर लाइक कीजिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हो और ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपने सुझाव मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। उनका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।